Children, now we are going to read your fourth chapter from the first flight book from the diary of Anne Frank, which is authored by a young girl, Anne Frank. The period of this narrative is time of World War II. ये जो narrative है वो World War II के समय का लिया हुआ है. ये fight हुआ है 1939 से 1945 के बीच में. उसी बीच में एनी फ्रैंक ने ये अपनी डायरी लिखी थी, जिसके कि पन्ने पब्लिश हुए बाद में. डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से वो बुक पब्लिश हुआ. उसके डायरी के पेज हैं एनी फ्रैंक के. व्हेन नाजीज कमांडेड बाय एडोल्फ हिटलर वर रुथलेसली किलिंग द ज्यूज इन द मोमेंट नेम्ड एज फाइनल सॉल्यूशन टू द ज्यूज प्रॉब्लम. नाजीज कमांडेड बाय एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का एडोल्फ हिटलर था जिसका नाम आपने सुना होगा, तो वो बहुत ही निर्दयता के साथ सारे ज्यूज को इस धरती से ख़त्म करने के लिए उन लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम रखा था फाइनल सॉल्यूशन टू द ज्यूज प्रॉब्लम. और वो ये मानते थे कि ज्यूज जो हैं उनको इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वो सिनर हैं. एट दैट टाइम एनी विथ हर थ्री फैमिली मेम्बर्स एंड वन ऑफ हर फादर्स फ्रेंड्स फैमिली हिट इन द बेसमेंट ऑफ हर फादर्स ऑफिस. उस समय उनसे बचने के लिए, क्योंकि एनी भी एक ज्यूज थी, डच थी, तो वो वहाँ से बचने के लिए उन लोगों से, एनी की फैमिली जिसमें कि उसकी माँ होती है, उसके पापा होते हैं और उसकी एल्डर सिस्टर होती है मार्गरेट फ्रैंक, तो दे हिट, वो उसके ऑफिस के बेसमेंट में छुपते हैं. लेट अस सी, टेक अ लुक ऑफ हर फैमिली. ये दिस इज़ हर मदर एडिथ फ्रैंक, देन हर फादर ऑटो फ्रैंक, हर एल्डर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक एंड एनी फ्रैंक हरसेल्फ, देन हर फादर्स फ्रेंड एंड कलीग. दिस फैमिली वॉज ऑल्सो इन द हाइडिंग, ये भी छुपे हुए थे उनके साथ. हरमन वॉन पेल्स एंड अगस्ते वॉन पेल्स, ये मदर फादर हैं पीटर वॉन पेल्स के. तो ये तीनों भी इन चारों के साथ उस सीक्रेट हाइडिंग में छुपे हुए हैं. जो हाइडिंग कहाँ पे है, उनके फादर की ऑफिस के बेसमेंट में है. तो यहाँ ये पूरे सेवन मेंबर्स छुप जाते हैं बचने के लिए नाजीज से, जो कि उस समय मास किलिंग कर रहे थे, उनको रूथलेसली निर्दयता के साथ सारे ज्यूस को ख़त्म कर रहे थे. देयर दे रिमेंड हिडन फॉर टू ईयर्स, वहाँ पे वो दो साल तक छुपे हुए रहते हैं उसी बेसमेंट में. ड्यूरिंग दिस पीरियड एनी रोट हर फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस इन हर डायरी विच वॉज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम हर फादर ऑन हर 13th बर्थडे. तो वहाँ पे वो हाइडिंग में ही एनी है, जो वो अपने एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स अपनी डायरी में लिखती है, क्योंकि उसको अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो वो अपने फीलिंग्स एक्सपीरियंसेस अपनी डायरी में नोट डाउन करती है, जो कि जो डायरी उसको उसके फादर ने 13th बर्थडे पे प्रेजेंट दिया था. फाइनली व्हेन समवन इन्फॉर्म्ड द नीदरलैंड्स पुलिस अबाउट देयर सीक्रेट हाइडिंग, अब वहाँ पे पुलिस को कोई उनके सीक्रेट हाइडिंग के बारे में बता देता है कि यहाँ पे छुपे हुए हैं, दे गॉट कॉट, और वो पकड़े जाते हैं. एनी हर मदर एंड सिस्टर डाइड इन कंसेंट्रेशन कैंप. कंसेंट्रेशन कैंप ये जो नाजीज ने बना के रखा हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक साथ मास मैसेकर में वो किल करते थे, मारते थे, कभी कभी गैस चैम्बर्स में, कभी उनको जिंदा बरी कर देते थे, तो बहुत बुरी तरह से उनको मारते थे. तो वहीं पे एनी, उसकी मदर और सिस्टर सब ख़त्म हो जाती हैं. ओनली सर्वाइविंग मेम्बर इन देयर फैमिली वॉज हर फादर ऑटो फ्रैंक. ऑटो फ्रैंक जो होते हैं उसके पिता, वही बस सर्वाइविंग मेम्बर हैं जो जिंदा बचते हैं उसकी फैमिली से. आफ्टर द वॉर एंडेड, जब युद्ध ख़त्म हुआ, He returned to Amsterdam and recovered in his diary. वो Amsterdam आते हैं जहाँ पे कि उनका secret hiding place था, जहाँ पे वो दो साल तक छुपे थे. तो वो वापस लौटते हैं जब वर्ल्ड वॉर फिनिश हो जाता है, किसी तरह का डर नहीं रहता, तो ऑटो फ्रैंक वापस Amsterdam उस secret hiding place पे आते हैं और recover करते हैं एनी की डायरी, क्योंकि उनको पता था कि एनी डायरी लिखती है. एंड ही न्यू हिज डॉटर्स टैलेंट, उनको पता था उनकी डॉटर टैलेंटेड है, वो बहुत ही अच्छी राइटर है, वो लिख रही है अपने एक्सपीरियंसेस, तो दैट इज़ वर्दी प्रिंटिंग. इट वॉज रिटन इन डच, उस समय एनी ने इसको डच में लिखा था. ही गॉट इट पब्लिश्ड एज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और उन्होंने इसको पब्लिश करवाया जिसका नाम रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. लेटर व्हेन इट बिकेम पॉपुलर इट गॉट ट्रांसलेटेड एंड प्रिंटेड इन सेवरल लैंग्वेजेस, वो बहुत ही पॉपुलर हुआ
वो बुक बहुत पॉपुलर हुई, वो नॉवेल के फॉर्म में प्रिंट हुआ था उसकी डायरी, तो बहुत पॉपुलर हुई क्योंकि उसमें ट्रू एक्सपीरियंस था एनी का उस समय का जब वो हाइडिंग में थे, और उसने अपनी ट्रू सिचुएशन को एक्सप्रेस किया था उस समय की रियलिटी क्या थी, किस तरह का टॉर्चर वो फेस कर रहे थे वो उसने शेयर किया था। तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई वो बुक और ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी हुई। तो इसी का एक छोटा सा पार्ट आज आप अपने इस चैप्टर में पढ़ोगे। लेट अस रीड द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बिफोर यू रीड, हियर सी चिल्ड्रन, दिस इज पिक्चर ऑफ एनी फ्रैंक। एनालिज मैरी एनी फ्रैंक, बॉर्न ऑन 12th June 1929 एंड डाइड ऑन फेब्रवरी और मार्च, इट इज़ स्पेकुलेटेड, एग्जैक्ट डेट उसका पता नहीं है, 1945, वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड फोर फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर टू। तो ये आपकी बुक में ये इन्फॉर्मेशन मैंशन है जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazis occupation extended into the Netherlands. तो वो वहाँ से भाग के नीदरलैंड्स में आते हैं, जर्मनी से भाग के, जर्मनी में ओरिजिनली वो रहते थे लेकिन वहाँ से भागते हैं जब नाजीज का कहर वहाँ पे टूटता है जर्मनी में, तो बचने के लिए वो नीदरलैंड्स भागते हैं, लेकिन उनकी जो रेन थी, उनका टॉर्चर था, वो नीदरलैंड्स तक भी पहुँच जाता है, नाजीज का कहर नीदरलैंड पे भी बरसता है। एज प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन इज़ हरासमेंट अगेंस्ट द ज्यूज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जैसे ही वो हरासमेंट, वो परेशान करना, उनको मारना बढ़ता है, द फैमिली वेंट इन टू हाइडिंग, वो फैमिली जो होती है यानी कि वो छुप जाती है, इन द सीक्रेट एनेक्स ऑफ द पिसनग्राच इन 263 इन एम्स्टर्डम विद 7 अदर पीपल। तो वो कहाँ पे छुपते हैं, ये जगह होती है प्रिंसेनग्राट, ये 263 दैट इज़ एड्रेस ऑफ एम्स्टर्डम, और 7 दूसरे लोग होते हैं, आप जानते हो कि 4 इनकी फैमिली के मेंबर थे और 3 इनके फादर के कलीग या फ्रेंड जो थे उनके फैमिली मेंबर थे। इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग के हिडन रूम में जिसके बारे में किसी को पता नहीं था वहाँ पर वो छुपते हैं। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गेन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर्स मार्गरेट फ्रैंक। मार्गरेट फ्रैंक जैसे ख़त्म होती है वैसे ही टाइफाइड से एनी भी उसके बाद ख़त्म हो जाती है। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उसमें से जो भी होते हैं उस ग्रुप में जितने लोग छुपे हुए थे उसमें से अकेला सर्वाइवर जो है बच जाता है वो था उनके पिता ओटो फ्रैंक। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंडेड, जैसे वर्ल्ड वॉर एंड होता है तो वो एम्स्टर्डम वापस आते हैं, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और वो उनको वहाँ पे मिल जाती है एनी की डायरी। कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, तो वो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश होती है। डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स मीन्स रिकॉर्ड्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th June 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1st August 1944। तो इसमें जो डेट है एनी डेट भी डालती है अपनी एंट्री के साथ साथ, तो कब से स्टार्ट हुआ है, 12th June 1942 से स्टार्ट होके और फाइनल जो लास्ट उसकी एंट्री है वो है 1st August 1944 को। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इन टू मेनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वाइडली रेड बुक, दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली बुक बनी। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, बहुत सारे इसके ऊपर फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा, ओपेरा है डांस शो, इसके ऊपर बेस्ड डांस शोज भी बने, डांस ड्रामा टाइप का बेस्ड ऑन द डायरी। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi's occupation. तो ये जो है एक, हालांकि एक छोटी सी लड़की ने, 12-13 साल की लड़की ने इसको लिखा है, but insightful mind, उसके thoughts जो है वो काफ़ी mature हैं और वो बहुत ही ज़्यादा करीब से जानकारी देते हैं Nazi's occupation में किस तरह की life थी
और उस सिस्टम को, उस समय के सिचुएशन को बहुत ही क्लोज एनालाइज किया है एनी ने. एनी हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम्स. हॉलोकास्ट मास मैसेकर जो था, जो वो नरसंहार था, नरसंहार के शिकार में से सबसे ज़्यादा फेमस एनी हुई है अपनी डायरी के कारण. नाउ द एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट्स. राइटिंग इन डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. अब एनी के कलम से स्टार्ट हो गया. एनी लिखती है कि डायरी लिखना एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, अजीब एक्सपीरियंस है समवन लाइक मी, मेरे जैसे किसी के लिए. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर और नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ अ 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल. तो कहती है कि नहीं मैं और नहीं कोई और, मुझे ऐसा उसको फील होता है कि किसी को भी अच्छा लगेगा विचार जानना, एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के विचार जानना. क्योंकि डायरी में वो क्या लिखती है, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती है, तो उसको लगता है कि कोई भी इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, इसलिए उसको स्ट्रेंज लगता है डायरी लिखना. ओ वेल इट डजेंट मैटर, कहती है कि चलो कोई बात नहीं, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. और कहती है कि चलो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लिखना चाहिए और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि मेरे दिल में अंदर जो भी बातें हैं, मेरी फीलिंग्स हैं, उसको मैं कहीं निकाल सकूं, किसी से शेयर कर सकूं. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन ऑन माई हैंड्स बोर्ड एंड लिस्टलेस वंडरिंग वेदर टू से स्टे इन और गो आउट. तो कहती है कि एक ऐसे ही दिन में वो ये फील करती है कि पेपर के पास मोर पेशेंस है. पेशेंस का मतलब धैर्य है, लोगों से ज़्यादा धैर्य पेपर के पास है, क्योंकि वो आप जो भी उसमें लिखते हो वो शांति से उसको सुनता है, पढ़ता है, आपके एक्सपीरियंस को समझ सकता है, जो कि लोग नहीं समझ सकते. दे बिकम इम्पेशेंट, वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, बीच में टोक टाक करते हैं, लेकिन पेपर कभी भी आपको बीच में आपकी फीलिंग शेयर करते समय रोकता नहीं है. ये उसकी एक फीलिंग है एनी की. वो कहती है उन दिनों के बारे में बताते हुए कि जब वो डिप्रेस थी, जब लो फील कर रही थी और घर पे बैठी थी अपने चिन को हाथ में लेके, बोर्ड थी और लिस्टलेस मीन्स लाइफलेस, बहुत ही ज़्यादा बेजान सी, वंडरिंग वेदर इट टू स्टे इन और गो आउट. वो सोच रही थी कि उसे घर में रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा खतरा था. तो उसको ये क्लियर नहीं हो रहा था. शी वॉज इन कन्फ्यूजन दैट वेदर शी शुड स्टे इन और गो आउट, क्योंकि वो बोर हो चुकी थी, बेजान थी, किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकती थी, किसी के साथ इंजॉय नहीं कर सकती थी, तो वो बिल्कुल लाइफलेस फील कर रही थी. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज बोरिंग ब्रूडिंग. येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस. वो ब्रूड करती है, सोचती है कि हाँ पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है, और वो फाइनली वहीं रुक जाती है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस. तो कहती है कि मैं वो फाइनली उसने क्या डिसाइड किया कि वो अंदर ही रहती है, घर में ही रहती है, और ये सोचती है कि हाँ पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है, तो वो अपनी फीलिंग्स को उसमें लिख सकती है. और ये भी वो सोचती है कि वो किसी को भी ये अपनी डायरी, जिसके कि बाहर स्टिफ बैक नोटबुक, जो कि डायरी है बाहर हार्ड कवर होता है, स्टिफ का मतलब हार्ड कवर लगा होता है डायरी के बाहर, तो जिसको कि डायरी के नाम से जाना जाता है, उसको वो किसी को भी पढ़ने नहीं देगी जब तक कि उसको बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड ना मिले जिस पे कि वो विश्वास कर सके. तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसके एक्सपीरियंस कुछ भी उसमें लिखे, क्योंकि वो किसी को उसको पढ़ने को देगी नहीं. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. आई डोंट हैव अ फ्रेंड. तो उसको डायरी लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बताती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. तो कहती है कि किसी के लिए ये विश्वास करना मुश्किल है कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में अलोन है, उसका कोई दोस्त नहीं है. एंड आई एम नॉट, वो कहती है कि हाँ मैं नहीं हूँ, अलोन नहीं हूँ.
आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर. और कहती है कि मेरे पेरेंट्स अकेली तो नहीं हूँ, उसके पेरेंट्स हैं और उसकी 16 ईयर्स ओल्ड एल्डर सिस्टर है. दे आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स. और उसके अलावा 30 ऐसे लोग हैं उसकी लाइफ में जिनको वो फ्रेंड कह सकती है. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट एंड अ गुड होम. उसकी फैमिली है, उसकी प्यारी आंटी हैं और एक अच्छा सा घर है. नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. ऊपर से देखने पे सब कुछ सुपरफिशियली सब कुछ लगता है कि एनी के पास सब कुछ है एक्सेप्ट वन ट्रू फ्रेंड, केवल एक सच्चे दोस्त के अलावा. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम. तो जो भी सोचती है कहती है कि मैं केवल ये सोचती हूँ कि वो अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छा समय बिताने के लिए रह सकती है. आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स. और उनके साथ वो डे टू डे लाइफ की ही बातें बस कर पाती है, शेयर कर पाती है, बहुत ज़्यादा उनके साथ क्लोज नहीं फील करती. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. और यही प्रॉब्लम है कि वो उनको बहुत ज़्यादा क्लोज महसूस नहीं करती और इसलिए वो अपनी ट्रू फीलिंग शेयर नहीं कर सकती. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. तो कहती है कि हो सकता है कि मेरी ही गलती हो कि मैं उनके ऊपर विश्वास नहीं करती. कन्फाइड का मतलब विश्वास नहीं कर पाती, उनके ऊपर बिलीव नहीं कर पाती. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. कहती है कि कुछ भी हो, इसी तरह से चीज़ें हैं मेरी लाइफ में और उसमें से कुछ भी बदलने वाला भी नहीं है. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. और ये एक कारण था कि उसने डायरी लिखना शुरू किया. तो क्या बताती है उसका रीज़न, कि उसके पास कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था जिसमें वो कन्फाइड कर सके, जिसके ऊपर वो विश्वास कर सके और अपनी ट्रू फीलिंग एक्सपीरियंस शेयर कर सके. कहने को उसके बहुत सारे 30 दोस्त थे और उसकी अच्छी फैमिली थी, अच्छा घर था, उसकी आंटी थी, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी. इसलिए उसने सोचा कि डायरी है, उसके पास ज़्यादा पेशेंस है, वो उसकी बातें सुन सकेगा. तो उसने स्टार्ट किया डायरी लिखना. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. तो कहती है कि मैं इस इमेज को long-awaited friend in my imagination, ये बहुत समय से वो इंतज़ार कर रही है अपने दोस्त का जो उसके imagination में है, ख्यालों में है. तो वो उस फैक्ट को, अपनी डायरी को, जिसको अपना दोस्त समझती है, उसमें कहती है कि वो इस तरह से चीज़ें नहीं लिखती जैसा कि लोग डायरी लिखते हैं, बल्कि वो इस तरह से उसको महसूस कर रही है कि वो उसकी फ्रेंड है और उसका नाम वो रखती है किटी.